हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे ट्यूशन में दीपक झा स्टडी मस्ती पे। और मैं हूँ दीपक झा। तो पता ही होगा कि क्लास आज से चालू कर रहे हैं, क्योंकि कल क्लास एक दिए थे जो प्रोसेस स्पीच दिए थे खान सर के बारे में, जो कंट्रोवर्सी जो चला हुआ था खान सर पे, जो ट्रेंड किया गया था ट्विटर पे, उनके बारे में स्टूडेंट का डिमांड था। तो मैंने कुछ स्पीच दिया और उनके सपोर्ट में मैं भी हूँ। जैसा कि कल का वीडियो आप लोग देखे जरूर होंगे, अगर वो नहीं देखे होंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और आज से हम क्लास स्टार्ट करते हैं 10th का साइंस। और आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा जो आप हमें देख रहे हो, इस वीडियो के जरिए आप हमको देख रहे हो, तो आखिर देख जो रहे हो अपने आँख से आई से, आज उसी पर कुछ बहस करेंगे। क्योंकि जरूरी है जानना कि हमारी जो आँख है वो कैसे किसी वस्तु को देख पाती है, यानी मानव नेत्र है क्या। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। और क्वेश्चन क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जो स्टूडेंट्स उनके लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स ना हैं उनके लिए भी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये जानना जरूरी है कि आखिर मानव नेत्र होता क्या है। तो आज आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, और आपको इसी के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको मेरे चैनल से जुड़ करके अगर वीडियो आपको और चाहिए तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत ही जरूरी है। और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना भी ज़्यादा ही जरूरी है, क्योंकि उसको ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है बताई दिए हैं कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो चलिए जानते हैं बारी बारी से उसका आंसर है क्या, और इंटरेस्टिंग तो होना ही है, क्योंकि आपको हम बताने वाले हैं कि जो हमारा जो आँख है, जिस आँख से आप देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, तो आखिर इसमें कौन सी ऐसी आखिर है क्या, कौन सी ऐसी यंत्र है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख रहे हैं, क्यों दिख रहा है, आखिर क्या है, तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जो मानव नेत्र है, जो हमारा मानव नेत्र की जो आकृति है वो लगभग गोलीय होती है। जो मानव का जो नेत्र है, जो आँख है, वो क्या होता है, लगभग गोल होता है, ठीक है। पूर्ण रूप से गोल नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग गोल आप कह सकते हो, ठीक है। इसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जा सकता है, सही बात है। आँख की सहायता से ही किसी वस्तु को हम देखते हैं। जो ब्लाइंड व्यक्ति है, जो अंधा व्यक्ति है, क्या उसे कुछ दिखाई देता है? उसे तो कुछ दिखाई नहीं देता है, दिखाई उसी को देगा जिसके पास क्या होगा, आँख होगा। और उसमें भी आँख होने के बाद क्या है कि वो अंधा व्यक्ति नहीं होगा, आँख से उसे दिखाई देता होगा, ऐसे व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मानव नेत्र की आकृति लगभग गोल होती है और इसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जा सकता है। और इसकी सबसे ऊपरी परत जो होता है, आँख का जो सबसे ऊपरी परत है, सबसे फर्स्ट परत जिसको आप कहते हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक कहते हैं, यानी फर्स्ट परत यानी कि जो ऊपरी परत है उसको हम स्क्लेरोटिक कहते हैं। और इसके सामने वाले भाग में, इसके सामने जो ठीक सामने वाला भाग है, वो एक पारदर्शी झिल्ली होती है। पारदर्शी, पारदर्शी समझते हो, ज्वार पर दिखाई देता हो वो पारदर्शी होता है, पता ही होगा, आप लोग पढ़े होंगे। और आपको पढ़ाई में है कि पारदर्शी क्या है, पारदर्शी क्या है, पारभाषी क्या है, ये तीन क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो पारदर्शी समझ गए, जिससे आर पर क्या दिखाई दो, दिखाई दे। तो इसके सामने वाला जो भाग है, जो स्क्लेरोटिक जो जिसको हम कहते हैं, उसके ठीक सामने वाला भाग में एक पारदर्शी क्या होता है, झिल्ली होती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, कॉर्निया कहेंगे, ठीक है। जो पारदर्शी भाग, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इसके नीचे काले रंग का क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड होता है। और वो क्लोराइड जो होता है वो प्रकाश को अवशोषित करता है, ऑब्जर्वेशन का जो लाइट का ऑब्जर्वेशन जो करता है वो यही करता है, क्लोराइड का काम होता है, ठीक है। जो कॉर्निया है, इसके जो नीचे वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं, क्लोराइड का। कॉर्निया के पीछे आयरिस होता है, जो कॉर्निया है उसके पीछे आयरिस होगा। आपको पिक्चर भी दिखाई दिया होगा कि मानव नेत्र का जो पिक्चर था उसमें आप जरूर देखे होंगे कि आयरिस कहाँ है, कॉर्निया कहाँ है, क्लोराइड क्या है, ये तमाम जानकारी आपको उस पिक्चर को देख करके आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद कॉर्निया के पीछे एक आयरिस होता है जो प्रकाश के परिमाण को घटाता है या बढ़ाता है। प्रकाश जो लाइट का जो परिमाण है उसको क्या करना है, उसका कर्ता क्या है, या तो घटाता है या तो बढ़ाता है। वो काम किसका होता है, आयरिस का काम होता है। किसका काम होता है, ये इसका काम होता है, समझ लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आयरिस का ही काम होता है, ठीक है, समझ गए ना, ये आयरिस का काम होता है। उसके बाद आयरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छिद होता है, छिद्र होता है, होल होता है, जिसे हम पुतली या नेत्र द्वार कहते हैं, ठीक है, उसे पुतली भी कहेंगे या नेत्र द्वार कहेंगे। इसी पुतली पे जो, और इसके अंदर एक रेटिना भी होता है, कि इसमें पुतली के नीचे जो पुतली जो होता है उसके नीचे मुलायम पदार्थ का बना नेत्र लेंस होता है। पुतली के जो नीचे एक पदार्थ होता है, मुलायम का बना हुआ एक नेत्र लेंस होता है। कॉर्निया और लेंस के बीच, जो हमारा कॉर्निया था और लेंस के बीच, एक वस ह्यूमर नामक एक पारदर्शी नमकीन द्रव रहता है, ठीक है, उसका नाम याद कर लीजिए, एक वस
ह्यूमर नामक पारदर्शी नमकीन द्रव होता है। लेंस के पीछे विट्रियस ह्यूमर नामक रंगहीन जेली जैसी द्रव भरा हुआ होता है जो लेंस के पीछे होता है, जो होता है विट्रियस ह्यूमर नामक। लेकिन उससे पहले थोड़ा केयर कीजिएगा, एक्वस ह्यूमर जो है, एक्वस ह्यूमर नामक जो पारदर्शी नमकीन द्रव होता है वो कॉर्निया और लेंस के बीच होता है। किसके बीच होता है? कॉर्निया और लेंस के बीच होता है। और उसके पीछे लेंस जो है उसके पीछे जो होता है वो विट्रियस ह्यूमर नामक रंगीन जेली जैसा एक द्रव भरा होता है जो आंख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना या दृष्टि पटल कहा जाता है। और अब मुख्य आपका हो गया रेटिना। यही बात मैं कह रहा था कि रेटिना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, खासकर आंख का। तो आंख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना या दृष्टि पटल कहा जाता है। नेत्र लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जो है इस पर बनता है। किस पर बनता है? यही आपका रेटिना जो होगा ना, वो रेटिना पर ही बनेगा। ठीक पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल बनेगा। जो नेत्र लेंस द्वारा जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो नेत्र, वो हमारा रेटिना या दृष्टि पटल बनेगा। ठीक है। और इसके मध्य भाग को पीत बिंदु भी कहते हैं, और इसके बीच वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए। ये हमारा था मानव नेत्र, जिसका सचित्र वर्णन करना था, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। और क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन था, आज मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन लाया था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप जब भी इस वीडियो को वॉच करो तो पूरा पूरा वॉच करो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आपका कोई भी डाउट होगा मैं पूरे डाउट को क्लियर करने के लिए एग्री रहता हूँ, आपको पता ही होगा। खास करके होता क्या है कि क्वेश्चंस को जो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाता है उसका रीजन सिर्फ एक ही रहता है कि वो पूर्ण रूप से वॉच नहीं कर पाता है, पूरा केयर नहीं कर पाता है, यही रीजन रहता है, इसको नहीं पता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सप्लेन जो मैं कर रहा हूँ हो सकता है आपको समझ में ना आ रही होगी, तो ये एक अलग मैटर होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर लो, मैं उस कमेंट के जरिए ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा और आपको बता दूंगा, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। और ये बात भी जरूरी है कि अगर क्वेश्चन को अगर आप शुरू किए हो तो उसको अंत करो और समझ लो, मैं तो समय बर्बाद करने से क्या फायदा है ना। तो आई होप कि आप जरूर समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, जिस तरह मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेन किया, आप जरूर समझ गए होंगे। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट को पूरा क्या करूँगा, क्लियर करके आपको समझा दूंगा। और आशा है कि ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, और नहीं हुआ होगा, और हुआ होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, नए क्वेश्चन के साथ, नए एंटरटेनिंग के साथ, नए क्वेश्चन और फुल एंटरटेन तो हमारे चैनल पर है ही बना हुआ। और एक और मैं बात बता दूँ लास्ट में जाते जाते कि अगर मेरा जो न्यू चैनल है ब्लॉगिंग का, उस चैनल का नाम है DJSN 2.0। इस चैनल का शॉर्ट नेम है, सिर्फ उसमें मैं ऐड कर दिया हूँ 2.0। इस चैनल को सर्च करके आप उस पर जा करके मेरे लाइफ से रिलेटेड और कुछ फनी कमेडी वीडियोज पर आते रहता है, जिसको आप देख करके इंटरटेनिंग हो सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय। गुड बाय। जय हिंद।